हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब जो है हम अपने YouTube चैनल के ऊपर एक सीरीज शुरू करने लगे हैं, जिसमें जितने भी चाइनीज स्केल हैं उन सब के आपको कैलिब्रेशन यानी पार्ट 1, 2, 3, 4 के जरिए यानी इस तरीके से बारी बारी आपको सारी स्केलों की कैलिब्रेशन बताऊंगा। क्योंकि मेरे चैनल में जितने भी स्केल हम सब की कैलिब्रेशन ऑलरेडी पहले ही है, लेकिन फिर भी कई लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं और फेसबुक पे ही मेरे से पूछते हैं कि यार हमें इस स्केल की कैलिब्रेशन बताएं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं ऑलरेडी स्केल की कैलिब्रेशन पहले ही इसमें अपलोड कर चुका हूँ, तो वो जो है आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2 करके ना एक यानी पूरी लिस्ट बना दूंगा, जिसमें होगा कि पार्ट 1 में जो है जैसे T6 की कैलिब्रेशन है, पार्ट 2 में डेल्टा 6 की, इसी तरीके से पार्ट 3 में जो है FT105 की, इस तरीके से जितनी भी है उन पूरे की एक लिस्ट बना दूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने भी आसानी हो। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम आज जो स्केल की कैलिब्रेशन सीखेंगे उसमें है डेल्टा 6 है। ये डेल्टा 6 जो है ये भी चाइनीज स्केल है और काफी अच्छा है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये मेरे पास जितने भी स्केल हैं उन सब के कनेक्टर जो है ये ऑलरेडी पहले ही बने हुए हैं। तो इसमें जो डेल्टा की सीरीज के हैं कनेक्टर वो ये है, ये जितने भी डेल्टा के हैं उन सब में यही कनेक्शन यूज होते हैं। इसमें एक नंबर जो है एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, 5 नंबर एक्सपेक्टेशन जो है नेगेटिव है, इसी तरीके से 7 नंबर सिग्नल पॉजिटिव और 8 नंबर सिग्नल नेगेटिव है। तो ये कनेक्टर हम इसमें लगा देते हैं। ये लगाने के बाद जब हम इसको ऑन करेंगे, ये मैं कवर हटा देता हूं, तो आप ये देख रहे हैं कि 0-0 भी हो गया और ये वेट सेंस भी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले आपने स्केल को ऑफ कर देंगे, 0 का बटन प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे स्केल को ऑन करना है। तो जब ये 0-0 आके स्टेबल हो जाएगा तो हमने 0 के बटन को छोड़ देना है। और यहाँ पे बैटरी हमें बता रहा है 3.5 वोल्ट, ये बैटरी शो कर रहा है। उसके बाद 0 हो जाएगा जब हमने फिर 0 के बटन को एक दफा स्टार के बटन को प्रेस करना है। तो जब स्टार के बटन को प्रेस करेंगे तो कॉल SP लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमने फिर टीयर के बटन को प्रेस करना है, कॉल 0-0 आ जाएगा। जब कॉल 0-0 आएगा तो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वजन नहीं रखना। उसके बाद हमने स्टार के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर स्पैन वेट की वैल्यू पूछ रहा है कि जितने से हमने वेट इसको कैलिब्रेट करना है वो हमने यहाँ पर लिखनी है। टीयर के बटन से हमने राइट साइड पर आना है और 0 की मदद से हमने वैल्यू को इंक्रीज करनी है। यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास अगर 10 kg का डेड वेट है, हमने यहाँ पर 10 लिख देंगे और 10 वो डेड वेट को हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देंगे। यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ये स्टेबल की लाइट ऑन हो गई है। अब हमने स्टार के बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी कैलिब्रेशन कम्प्लीट हो गई है और ये सेंस भी कर रहा है कितना स्टेबल इंडिकेटर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को डेल्टा 6 इसकी कैलिब्रेशन भी समझ लग गई होगी। तो अपनी राय का इजहार अपने इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल की प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें, ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।